अनुशासन पखवाड़े के दौरान दुकानें बंद होने से दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इसी के साथ व्यापारियों ने भी अपने व्यापार करने के तरीके को बदलाव करते हुए आर्थिक नुकसान से निपटने की योजना बना ली है। अब दुकानदारों ने भी कोरोना गाइडलाइन का तोड़ निकालते हुए अपना काम कर रोजी रोटी का जुगाड़ करना शुरू कर दिया। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते लागू किए गए लॉकडाउन के बाद परिवार का गुजर बसर करने के लिए लोगों ने अपने मूल धंधे बदल कर किराना, साग सब्जियां, फल फ्रूट बेचकर परिवार का पालन पोषण करने की जुगाड़ लगा ली। लॉकडाउन के चलते सरकार द्वारा मिष्ठान भंडार, चाय पकौड़ी, कचौरी, आइसक्रीम सहित कई प्रकार के व्यापार पर रोक लगाए जाने के बाद प्रतिदिन कमाकर परिवार का गुजर बसर कर रहे लोगों के सामने रोजगार का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। इसके चलते कई लोगों ने अपने व्यापार का स्वरूप बदल लिया और परिवार का पालन पोषण करने में लगे हैं। सुमन रेस्टोरेंट के प्रोपराइटर गोपाल सुमन ने बताया कि उनका मूल व्यवसाय रेस्टोरेंट सेव नमकीन से अपना गुजर बसर कर रहा था, लेकिन अब वह तरबूज, फल आदि बेचकर परिवार का गुजर बसर करने की जुगत में लगे हैं।